नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। और आज हम मिलवाने वाले हैं काफ़ी खास मेहमान से आप सबको, जो कि MLA 42 दामपुर को असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करती है। जैसे उनका इंट्रोडक्शन ज़रूरी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक गुम ताइंग मैडम दामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA नहीं बनी थी, तब तक अरुणाचल का काला पानी के नाम से जाना जाता था दामपुर का एरिया। जैसे मैडम बनी, ब्रिज बन चुका है, रोड कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी तरीके से बन चुका है, वो कोई डिनाई नहीं कर सकते। तो आज मैडम हमारे साथ है, तो सीधे उनसे बात करते हैं। मैम, सबसे पहले नमस्कार और वेलकम टू अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल। और मैम, सबसे पहला सवाल ये रहेगा, पहले तो हम कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे, क्योंकि आप जैसे ही MLA बने, ब्रिज बन चुका है, रोड कनेक्टिविटी बन चुका है, और दामपुर के जो मेन एरिया है वहाँ पर मोबाइल नेटवर्किंग भी आ गई, उसके लिए हम कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे मैम आपको। थैंक यू। और मैम, सबसे पहला सवाल ये रहेगा, क्योंकि कल हमारा टीम, हमने काफ़ी दामपुर एरिया में जो पब्लिक है उनसे मिलके हमने उनसे इश्यूज जानने की कोशिश की कि कुछ बात या कुछ मैसेज आप तक पहुंचाया जाना चाहिए, कुछ ऐसा कुछ बात। तो उनका एक ही बात था कि जो बोमजीर से पागलम तक का रोड है वो काफ़ी ख़राब कंडीशन में है। तो मैम, एज ए MLA आपकी तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है, उनका वही जानना था उनका सवाल। बमजीर से पागलाम तक रास्ता बहुत दिन से ख़राब हुआ था। उसको हम अभी गवर्नमेंट ने बमजीर से अनपुम तक ये रास्ता सेंक्शन हो गया, वो बन रहा है, शुरू कर दिया। लेकिन अनपुम का और पागलाम का बीच में एक रिवर है, तो वो दोतुंग रिवर का एक भाग है, वो दोनों जगह को ये सेपरेट कर रहा है। इसका थोड़ा हम गवर्नमेंट से अभी रिक्वेस्ट करूँगी, तो उसका ब्रिज एक तो होना है, वो होने से पागलाम का कनेक्टिविटी अच्छा हो जाएगा जी। और मैम, वही मैं आपको सवाल रखने वाली थी कि ये था रास्ता के बारे में जो बोमजीर से पगलाम का था, जैसे आपने खुद मेंशन किया ब्रिज का बनना बाकी है, तो काफ़ी लोग जो सिरसिरी ब्रिज कहते हैं और जो 14 किलो या 10 किलो में भी है, इवन इन अभी जैसे आपने मेंशन किया अनुपम में भी बनना बाकी है, तो जैसे अनुपम का मैम आपने बता दिया, तो अभी जो सिरसिरी ब्रिज जो बिजारी में है, वो सबका अपडेट क्या है, क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है मैम? वो तो अभी सेंक्शन भी हो गया, टेंडर भी हो गया, उसका तो हो जाएगा अभी हमारा मालूम है। ठीक है मैम, अकॉर्डिंग टू जैसे अभी मैम ने कहा कि जो काफ़ी सारे लोग सवाल रख रहे थे रिगार्डिंग पिजारी का ब्रिज का, अनुपम के ब्रिज का, तो मैम के हिसाब से अभी टेंडर हो चुका है मैम, अभी काम चालू हो जाएगा। एंड रिगार्डिंग जो रोड का भी था मैम का, अकॉर्डिंग टू मैम ने कहा है कि वो भी टेंडर हो चुका है, काम चालू हो चुका है मैम। और एक सवाल था जो स्टूडेंट्स का था, जो कि पिजारी के सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनका ये कहना था कि ऑनलाइन क्लासेस तो कह दिया है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क नहीं है, तो कि अभी क्योंकि नोटशीट के हिसाब से उन्हें पढ़ाया जा रहा है, लेकिन कलेक्शन स्टडी मटेरियल कलेक्शन के लिए इंटरनेट ज़रूरत होता है आजकल, तो वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, इवन मोबाइल नेटवर्किंग का भी नहीं है इस तरीके से कहा जा रहा था, तो उसके लिए इनिशिएटिव क्या लिया जा रहा है? उसके लिए ये हम अभी सुस्ती ये गुवाहाटी में भी हम मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए वो उधर नेटवर्क का जो स्टेशन इंटरनेट बैठाना है, दामबुक में बैठाने से तो हो जाएगा ना, इसलिए उसका कोशिश करूँगी जी। जी मैम, साथ ही मैं एक सवाल रखना चाहूँगी मैम, हाल ही में ही जो नया स्कूल बिल्डिंग, जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी बिल्डिंग, उसका इनोग्रेशन हुआ, CM एजुकेशन मिनिस्टर उन्होंने आके इनोग्रेट किया, तो मैम यहाँ के लोगों की तरफ से ही सवाल था कि सिर्फ बिल्डिंग बनने से नहीं होगा, टीचर होना ज़रूरी है, जो फैसिलिटीज़ होना ज़रूरी है स्कूल में, जैसे लेबोरेटरी का इक्विपमेंट्स वगैरह, वो सब फैसिलिटीज़ दिया जा रहा है कि नहीं, या फिर बस बिल्डिंग बनाया गया है? ये हम मेमोरेंडम दिया है पब्लिक के लिए, ये स्कूल का जो जितना इक्विपमेंट है, जितना बेंच टेबल लगता है, और रोड का स्कूल का आना जाना के लिए रोड कनेक्टिविटी, सब
करना है बोल के सीएम को मेमोरेंडम एक तो दिया, मेमोरेंडम में सीएम भी होगा देखेगा बोल के चला गया। वो ऐसा हम कोशिश करेगा और करेगा और बोलेगा सीएम लोग को हम मदद मांगेगा। मैम ये तो बच्चों का सवाल था जो स्टूडेंट है जो पिजारी में, तो उनका साथ ही साथ एक सवाल है, एक नया इनोवेटिव आइडिया आपने लाया मैं कह सकती हूँ जो क्लस्टर फार्मिंग को लेकर, जिन खबर मिली थी कि आपके द्वारा यहाँ के काफ़ी महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप को आपने करीबन 10 हेक्टर्स ज़मीन आपने डोनेट किया उन्हें क्लस्टर फार्मिंग के लिए, तो ये बात कितना हद तक सही है और अगर सही है तो कितना हेक्टर्स आपने डोनेट किया? हमने मैं 10 हेक्टर लैंड डोनेट किया इधर का मेका बस्ती का सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिल को। और मैम ये कहाँ से आपको सोच आया कि, क्योंकि ये जो डोनेशन ऑफ लैंड क्लस्टर फार्मिंग के लिए अरुणाचल में काफ़ी नया है और कह सकते हैं कि पहली बार हमने सुना और काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लगा, तो ये आपने कहाँ से सोचा या इनिशिएटिव कहाँ से आपको लगा कि ये सब इनिशिएटिव लेना चाहिए? नहीं ये तो ऑल इंडिया में वो तो अनाउंस हो गया ना, हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये काफ़ी गाँव लोग के लिए देशवासी के लिए चिंता करके उसको अनाउंस कर दिया। इसके मुताबिक हम दिल में आया, हमारा तो लैंड बहुत है इसलिए हमारा आदमी लोग को मदद करने से अच्छा होगा और ऐसे भी आत्मनिर्भरशील होना है, स्वावलंबी होना है, ऐसा तो बोलते रहता है टीवी में सुनता है, तो इसलिए हम हमारा ये पुअर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी का आदमी लोग को मदद के लिए हम फ्री ऑफ कोर्स हम फ्री में 10 हेक्टर माटी दे दिया। और मैम एक काफ़ी इशू है जो इंटर स्टेट के साथ में चल रहा था, जो अरुणाचल बाउंड्री जो पगलम और आसाम के साथ में जो बाउंड्री इशू चल रहा था उसका अपडेट क्या है, क्योंकि काफ़ी बीच में काफ़ी हल्ला में आया था, शोर मच रहा था रिगार्डिंग जो इंटर स्टेट का डिस्प्यूट को लेकर, उस पर क्या कहना है? वो तो बड़ा इशू है ना बाउंड्री इशू, तो उसके लिए हम पहले से बोला, पहले हम जो MLA फर्स्ट आया देखा पगलाम में विजिट किया वो सिर्फ एक पुलिस था, पुलिस नहीं था, बाउंड्री प्रॉब्लम तो होते रहता है लेकिन एक तो पुलिस था। वो तो हम बहुत बार गवर्नमेंट को लिखा लिखी भी किया उधर में पुलिस मैंने सफिशिएंट पुलिस फोर्स देना है, नहीं है तो ऐसा प्रॉब्लम होते रहेगा, लेकिन अभी थोड़ा गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव लेता है, उस दिन भी थोड़ा पहले भी उसका वो लोग का मीटिंग सीटिंग हुआ है, वो आई थिंक वो लोग जरूर उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोशिश करेगा। मैम क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमने यहाँ के पब्लिक से भी मिला, काफ़ी लोगों से मिला, तो वो कहीं ना कहीं आपका जो आप जिस तरीके से दामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के चला रहे हो वो खुश है, तो बस हम ये आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे मैम कि अभी क्योंकि आपका ये दूसरा टेन्यूर है और ये 6 साल हो गया कम्प्लीट, तो मैम आप ये कमिंग ईयर्स के लिए आपका क्या क्या प्लानिंग है जो अभी आप सोच के रखे हो या फिर इनिशिएटिव ले रहे हो दामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, तो थोड़ा सा आप कुछ शेयर करना चाहेंगे आपके लोगों के साथ में इनिशिएटिव कुछ वगैरह आप इनिशिएटिव ले रहे हो अभी? अभी जो अभी बोला वो रास्ता के लिए करेगा, फिर हम दामबुक कॉन्स्टिट्यूंसी मीन्स दामबुक के लिए प्रॉब्लम तो हमारा ये फ्लैट का ना, फ्लैट के लिए अभी पूरा हम मेमोरेंडम भी सबमिट किया, सब जगह में सबमिट किया, हम तो ये नवयुग को भी दिया देन CM को दिया और इवन सेंट्रल मिनिस्टर जो नितिन गडकरी को भी हम मेमोरेंडम दिया है, उसका मुताबिक सब मिला के आई थिंक वो प्लाट के लिए रास्ता के लिए हो जाएगा। और ये जो अभी पहले हम बोला जो ब्रिज पगलाम स्पेशली उसके लिए हम PWD मिनिस्टर CM इंचार्ज है, उसके लिए भी हम कोशिश करेगा और
स्कूल का ये कनेक्शन के लिए भी स्कूल का जितना प्रॉब्लम होगा उसको भी हम कोशिश करेगा। और दाम्बुक का जो अभी तो पहले तो हमारे एमएलए होने का पहले दाम्बुक तो एकदम कातब था। हम लोग स्वतः से मालूम है दाम्बुक का वासी है इसलिए मालूम है पूरा और आना जाना एक दिन लग जाता है। रोइंग दाम्बुक एक दिन लग जाता है। अभी जैसे आधा घंटा में होता है उसका, लेकिन उसका जैसे थोड़ा थोड़ी जो बाकी हो गया अभी तो पूरा हो गया ऐसा बोलने से भी हो होता है, थोड़ा थोड़ी है लेकिन उसको हम कोशिश करेगा करने के लिए। मैम आखिर में थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। एंड हम अरुणाचल टुडे टीम आपसे आपको विश करना चाहेंगे कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए इसी तरीके से काम करते रहिए और स्टे सेफ और स्टे हेल्दी। मैम थैंक यू सो मच। थैंक यू।